रुचित लिखते हैं ये कि मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करता हूँ, कैन यू गिव सम टिप्स, विच टाइम फ्रेम चार्ट शुड आई कीप वॉचिंग एंड हाउ टू चूज स्टॉप लॉस? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है बट एक सिंपल आंसर नहीं है ये चीज का नो, क्योंकि बिल्कुल ऑप्शंस के ट्रेडिंग में आप याद रखिए आई डोंट नो कि ऑप्शंस बायर है ऑप्शन सेलर है, उन्होंने वो कुछ लिखा नहीं है। आई एज्यूम कि अगर वो ऑप्शंस बाइंग करके अगर ट्रेड करते हैं सो ये दो चीजें हैं स्टॉप लॉस रखने का तरीका। एक तो मोनेटरी स्टॉप लॉस रखे, आप हर ट्रेड पे डिसाइड कर ले कि उससे ज्यादा लॉस होने नहीं देंगे डिपेंडिंग अपॉन जो ट्रेडिंग कैपिटल जो आपके 3 से 4% का आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो पर ट्रेड में लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल 10 लाख का है तो उसका 3% आप निकाल दीजिए 10 लाख का, राइट। सो वो आपका मैक्सिमम मैक्सिमम लॉस आपको एक ट्रेड में रहना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, राइट। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या अमाउंट है आप परसेंटेज डिसाइड कीजिए और मोनेटरी स्टॉप लॉस उस पर रखिए, राइट। सो उससे ज्यादा जाने नहीं दीजिए। सेकेंडली ऑप्शंस में बाइंग साइड पे ट्रेड तभी करें जब कोई ट्रेंडेड मूव हो, राइट। सो 3 टाइप के फेजेस होते हैं, एक तो साइडवेज ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइड डाउन ट्रेंड, राइट। सो अप ट्रेंड अगर कोई स्टॉक में है, मोमेंटम पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो वहां पे आप कॉल ऑप्शंस बाइंग करके ट्रेड करने की कोशिश करें। जहां पे डाउन ट्रेंड में स्टॉक है तो वहां पे पुट ऑप्शंस में अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। और जब साइडवेज ट्रेंड है या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ट्रेंड है तो बेटर है कि उस टाइम पे दूर रहे। सो ऑप्शंस में मैंने देखा है ज्यादातर ट्रेडर्स की जो लॉसेस होती है वो इस कारण दो रीजन के कारण होती है। एक तो वो बिना कोई व्यू के पोजिशंस बना लेते हैं क्योंकि वो आदत पड़ चुकी जी रहती है कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है, कुछ पोजीशंस नहीं है तो कुछ ना कुछ नई पोजीशंस बनाए, क्या पोजीशंस बनाए। सो अगर कुछ व्यू नहीं है तो भी पोजीशंस बना लेते हैं और वैसे टाइम पे ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके ऑप्शंस में लॉसेस होते हैं, राइट। सो और सेकेंडली पोजिशन साइजिंग के, एक ट्रेड प्रॉफिट में गया, दो ट्रेड प्रॉफिट में गया तो वो कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है और हम बड़ी पोजिशंस ले लेते हैं, यानी जितनी हमें लेनी चाहिए उससे ज्यादा पोजिशंस ले लेते हैं। सो आई थिंक और वो जी ट्रेड अगर लॉस में निकल जाए तो आपके काफी सारे हफ्तों का प्रॉफिट या महीनों का प्रॉफिट आई थिंक वो वाइप आउट हो सकता है। सो आई थिंक ये दो गलतियां मैंने देखी है कि ऑप्शन ट्रेडर सबसे ज्यादा करते हैं जिसके कारण लॉसेस होते हैं। सो एक तो ये गलतियों से बचे, व्यू है तो ट्रेड करे, व्यू नहीं है तो नहीं ट्रेड करे, और ईच एंड एवरी ट्रेड का जर्नलिज्म रखे। जर्नलिज्म यानी आप लिखे, लिटरली आप बुक और पेन आपके पास रहनी चाहिए, आपको डेली के ट्रेड्स का लिखना है, आपको लिखना है कि आपने कोई ट्रेड लिया है तो एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस और सबसे मेन रीजन क्यों आपने बाय किया है और लॉस हुआ तो क्यों आपको लॉस हुआ। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप वो जर्नल को रेगुलरली रिव्यू करेंगे तो आई एम श्योर आपके जी एक्सपीरियंस से आपको वो लॉस मेकिंग ट्रेड्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे।